नमस्कार दोस्तों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों को पता है कि पार्ट नंबर 12 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज स्टार्टिंग करेंगे अपन पार्ट नंबर 13 से, और पार्ट नंबर 13 की शुरुआत करेंगे वैल्यू पुटिंग से। आपने सुना होगा कि वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा का मान, कुछ ऐसा पुट कर देते हैं जिससे क्वेश्चन को आसान कर दिया जाता है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, फटाफट से आओ और देखो, जल्दी से चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है। देखो, वैल्यू पुट क्यों की जाती है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को लेंथी वे में सोल्व करने के बजाय अपना जो बेसिक तरीका है वो क्या बोलता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा पुट कर दो, क्वेश्चन का कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दो ताकि क्वेश्चन क्या है कि छोटा हो जाए। और अपने को देखो, सब्जेक्टिव तो चलना नहीं है, अपने को तो ऑब्जेक्टिव चलना है। अच्छा, ये चीज काम कहाँ आती थी, आपने 9th और 10th में जब पढ़ा होगा तो वहां पर आता था सिद्ध कीजिए इति सिद्धम, तो वहां पर वैल्यू पुट कर करके देखते थे। और अगर LHS बराबर RHS आ जाता था तो वही तो होता था आपका, ठीक है। तो उसी चीज को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश की, जरा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो आपका पहला प्रश्न इस तरीके से रहेगा दोस्तों कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर है ए। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना है ए, और कोफ थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना है आपका बी, और कोफ थीटा माइनस साइन थीटा कितना है दोस्तों बी है। आपसे पूछा है फाइंड करो सा। अच्छा, क्या फाइंड करा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 4 और ए स्क्वायर प्लस 4 और बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने, 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए, देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी है। आपसे पूछा है ये वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताओ गोलगप्पो। कितना है दोस्तों? अरे बोलो, घर की बात है भाई अपने तो, हैं? कितना है फटाफट से बता दीजिए। चलिए देखिए, टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए और कोफ थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी। अब चला है आपका वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के मेरे दोस्त, तो वैल्यू पुट करने के लिए अपने पास कितनी चीजें जो अपने को पता है। एक तो 0 डिग्री, देखो, या तो 0 डिग्री पुट कर सकते हो, या 30 डिग्री पुट कर सकते हो, या 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। देखो, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू तो अपने को पता है अभी तक, इनके अलावा तो वैल्यू तो मैंने आपको बताई ही नहीं बताया ना मैंने, ना आपको पता है, तो क्यों इन्हीं में से पुट करेंगे। अब डिपेंड ये करता है, देखो, पांचों वैल्यू तो पुट कर करके देख नहीं सकते ना, क्योंकि पांचों वैल्यू अगर पुट करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर क्या करें, कैसा सोचे कि देखो, पांच में से कोई एक वैल्यू रखनी है आपको, और वैल्यू से रखनी है कि वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि पांचों को अगर चेक करोगे तो भाई साहब मामला बैठेगा नहीं। अब आप देखो, इस माइंड में सोचा करो कि आप 0 डिग्री रख सकते हो, नहीं रख सकते, क्योंकि टेन और कोट, टेन जीरो, तो देखो ध्यान से, टेन जीरो और कोट जीरो क्या होता है, साइन जीरो, टेन जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कोट जीरो जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर ये तो मामला गलत हो जाएगा। 30 डिग्री पुट करने से कोई मतलब नहीं। आप एक काम करो ना, 45 डिग्री पुट करो। क्या करो, 45 डिग्री। जैसे ही आप 45 डिग्री पुट करोगे,
पुट थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। जैसे आप 45 डिग्री, देखो 90 डिग्री भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोफ 90 जीरो हो जाता है, होता है ना, तो वाली बात आप समझ रहे हो। तो थीटा बराबर जैसे आप 45 डिग्री पुट करोगे मेरे भाई, तो यहां से देखो टेंज 45 डॉट सॉरी माइनस कोट 45 बराबर कितना, अरे हाँ या ना, यही है। और टेन 45 माइनस कोट 45 क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम होता है, तो यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा जीरो। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत है। जैसे ही आप यहाँ पर 45 डिग्री पुट करोगे तो कोस 45 माइनस साइन 45 बराबर कितना है बी, और कोस 45 बराबर साइन 45 होता है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा जीरो, यानी कि बी बराबर कितना आ गया जीरो। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जैसे आपने थीटा बराबर 45 पुट किया तो यहाँ भी बन गया जीरो, यहाँ भी बन गया जीरो, यानी कि ए बराबर भी जीरो, बी बराबर भी जीरो। अब आपसे क्या पूछा, ये भी पूछिए, आपको पता है सर ए का मान जीरो है, बी का मान जीरो, आप पुट करो डायरेक्ट। जैसे ही पुट करोगे तो जीरो जैसे पुट करोगे तो ए का स्क्वायर, यानी कि ए का मान जीरो, तो जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो प्लस फोर, अरे बोलो, और यहां पर देखो बी का स्क्वायर, यानी बी का मान भी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन और उसका स्क्वायर। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? जीरो प्लस फोर कितना बना फोर, और जीरो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो कितना हो जाएगा फोर इंटू वन, तो आपका आंसर कितना आ गया चार। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, देखो है ना आसान, ऐसे सोल्व करते तो कितना टाइम लगता, आपने जैसे पुट किया, ये चीज़ें तो देखो सोल्व करने की नहीं होती, ये तो आप जैसे ही कर रखोगे ना तो वैसे आपके सामने आ जाएंगी, है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका पहला, और फिर आगे बढ़ेंगे अपन, तो क्वेश्चन तो सारे लाजवाब होंगे, आप टेंशन मत लो, कोई यूँ बोल दे तो भाई साहब लेवल की कमी है, गोली मार दूँ मैं उसको, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन ऐसा होगा लेकिन सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, जितना हार्ड क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन उतना ही सीधा होता है, छोटा होता है, क्योंकि ट्यूशन टफ नहीं होता, देखना पड़ता है क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है या लॉजिकल है, ठीक है। तो लॉजिकल और टफ में काफ़ी अंतर होता है मेरे दोस्त, टफ आपके नहीं आता, ठीक है। टफ के लिए 11th 12th बनाइए, IIT JEE AEEE KET MCS जैसा पेपर, आपकी दिक्कत ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर वन हुआ, अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर टू पर, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर दो की शुरुआत कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है आपका, क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है आपका कि यदि x बराबर कोसेक थीटा, यदि x बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा हो, और y बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा हो, बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा या cosec थीटा, थोड़ा सा और अच्छा बना लो इसको क्वेश्चन को ना, cosec थीटा हो, तो आपसे पूछा है कि फाइंड कीजिए साहब, अब क्या फाइंड करवाना है, बिल्कुल देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर cos टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। यदि x बराबर ये हो y बराबर ये हो तो आप बताओ मुझे कि इसका मान क्या होगा, इस आप 10 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड ले लीजिए भले इससे, लेकिन इस क्वेश्चन को फटाफट से मुझे करके बताओ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, फटाफट से करो।
हाँ दोस्तों कितना आया बताओ। चलो देखो, बात करते हैं। जैसे ही आप थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करोगे, कितना थीटा बराबर 45, तो देखो जीरो तो नहीं रख सकता मैं, है ना, क्योंकि सेक आ जाएगा, है ना, तो उल्टा हो जाएगा वो मामला, आप पता है। 30 में भी कोई मतलब नहीं है, 90 में फिर दिक्कत आएगी क्योंकि सेक आ रहा है, क्योंकि कोस चल रहा है मामला, तो 45 देखते हैं, ठीक है। तो 45 जैसे अपन रखेंगे तो यहाँ पर देखो आप, एक्स बराबर कोसेक 45 बनेगा। अच्छा कोसेक 45 कितना होता है, रूट टू माइनस साइन 45 वन बाई रूट टू। बताओ भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा सा फर्दर आप अगर सोल्व कर रहे हो तो यहाँ से कितना जाएगा, एल से मा जाएगा रूट दो, यहाँ वन तो वन रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, टू माइनस वन, दैट्स मीन्स वन बाई रूट टू। बताओ अगर मैं यहाँ से वाई देखूँ, अगर मैं यहाँ से y देखूँ तो देखो ध्यान से, y बराबर देखो sec 45 रूट टू माइनस cosec 45 वन बाई सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने, ये आपका cos पे cos थीटा है, कितना है cos थीटा, ठीक है। अब आप देखो y बराबर रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। अब देखो आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, रूट टू माइनस वन बाई रूट टू, अभी अभी मैंने सोल्व किया कितना आता है, वन बाई रूट टू, कितना आता है वन बाई रूट टू, यानी कि एक्स का मान भी कितना आ गया वन बाई रूट टू, वाई का मान भी कितना आ गया दोस्त वन बाई रूट टू। जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से, वन बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू वन बाई रूट टू का स्क्वायर, बोलो कोष्टक वन बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस कितना, तीन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ, वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू इंटू वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू कोष्टक वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू प्लस वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू प्लस कितना, थ्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो आगे, वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर, नीचे अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम कितना आ गया टू, तो यहाँ पर कितना बना वन प्लस कितना वन प्लस कितना थ्री टाइम्स जाएगा, देखो टू टाइम्स और टू इंटू थ्री सिक्स डिवाइड कितना टू, एलसीएम लेना है सोल्व कर लोगे ना। चलो तो वन बाई फोर इंटू छः और दो आठ, आठ बटे कितना दो, चार इंटू दो आठ, आठ से आठ कट गया, कितना आ गया आंसर आपका एक, तो आपका आंसर कितना आया वन। कॉपी कर लीजिए दोस्त। कॉपी कर लो भाई,
हो गया। चलिए अगला प्रश्न और भी जोरदार मजेदार होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जोरदार मजेदार शानदार है। 2y क्या 2y cos थीटा बराबर क्या है sin थीटा, 2y cos थीटा बराबर sin थीटा x sin थीटा। आगे देखिए 2x sec थीटा बराबर है, 2x sec थीटा बराबर है y cos थीटा, या फिर माइनस हटा दो यहाँ पे, माइनस y cosec थीटा बराबर है आपका 3, माइनस y cosec थीटा बराबर कितना है 3, और आपसे पूछा है कि x की पावर 4 या x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर या y की पावर 4 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। या फिर थोड़ा सा जो पेपर में आया था वही क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो सेम टू सेम वही पूछ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y की पावर स्क्वायर क्या होगा। देखो x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, तो पावर तो 4 पूछे, 10 पूछे, 25 पूछे, अपन निकाल ही सकते। तो ये क्वेश्चन है भाई साहब, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तरीका देखना आप तो सोल्व करने का, 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है, 2x sec थीटा बराबर माइनस y cosec थीटा बराबर 3 है, और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पर यार कि यार अगर मुझे x और y का मान पता चल जाए तो मेरा आंसर निकल जाएगा, और x और y का मान देखो दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो फिक्स से निकल सकता है। अब आप देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो थीटा बराबर मैं क्या पुट करूँ, थीटा बराबर मैं क्या पुट करूँ कि मेरा आंसर आ जाए, बताओ थीटा बराबर सबसे बेस्ट क्या होगा, 0, 30, 45, 60 और 90 पांच वैल्यू है, पांच में से आप क्या पुट करोगे। तो आप बोलोगे कि सर सबसे बढ़िया होता है 45 डिग्री पुट करना, क्योंकि साइन 45 बराबर कोस 45 होता है, हाँ या ना, ठीक है। तो थीटा बराबर जैसे आप पुट करोगे 45 डिग्री, देखना ध्यान से, जैसे आपने पुट किया तो यहाँ से बनेगा 2y cos 45, और cos 45 कितना होता है 1/√2, बोलो बराबर x sin 45, और sin 45 कितना होता है 1/√2, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इस दो से ये रूट टू कट जाएगा, यानी कि रूट टू वाई बराबर x बटे रूट टू, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ ना यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आगे बढ़ो, यहाँ भी थीटा बराबर 45 डिग्री पुट किया है, तो 2x सेक 45 कितना होता है फटाफट से बताओ। देखो कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा रूट टू माइनस वाई कोसेक 45, कोसेक 45 कितना होगा वही साइन 45 का उल्टा, यानी कि रूट टू बराबर कितना है 3, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत। चलो यहाँ तक तो एक बार कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्त, देखो अब देखो आप, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बनेगा 2√2 x है ना, माइनस इस रूट दो को आगे ले लो, रूट टू वाई बराबर कितना 3, क्या यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो आगे, ये रूट टू वाई जो है यहाँ पर देखो रूट टू वाई का मान क्या x बटे रूट दो है क्या, तो क्या मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ। तो जैसे आप पुट करोगे तो 2√2 x माइनस रूट टू वाई, यानी कि कितना x बटे रूट दो बराबर कितना 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो आगे, रूट टू एलसीएम आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू, टू टू इंटू टू कितना 4, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 4x माइनस एक्स बराबर,
ये रूट रूट टू इधर चल जाएगा तो 3√2, कोई दिक्कत है? अब इतने से छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, 4x माइनस x कितना 3x, बराबर कितना 3√2, तो x बराबर कितना आ गया √2। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स, थ्री एक्स बराबर थ्री रूट टू, थ्री टू थ्री कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना √2। अब देखो, अब x बराबर √2 आप यहाँ पुट कर दो तो √2y बराबर √2, x का मान कितना है √2, √2 अपॉन √2, तो √2y बराबर 1, तो 1 आ गया तो y बराबर कितना आ गया 1 अपॉन √2। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? वाई का मान भी आ गया, एक्स का मान भी आ गया, क्या पूछा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो लगो पुट करो, तो एक्स का मान कितना √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 4, वाई का स्क्वायर वाई 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो 2 प्लस 2 से 4 कटा 2 बार, तो 2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया आपका 4। कॉपी कर लीजिए। मित्रों हो गया होगा, अगले प्रश्न पर चलें। देखो मैंने बोला था लेवल जो है क्वेश्चंस का वो बढ़ता जाएगा सीडी बाय सीडी, 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स ऑन, तो मतलब ऐसे चलेंगे लेवल्स, ठीक है? तो लेवल के बारे में आप कतई भी दिक्कत मत लो, क्योंकि क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन और अच्छा होगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन और अच्छा होगा, तो ऐसे ही चलेगा मामला। x sin cube theta, ठीक है, प्लस y cos cube theta बराबर sin theta dot cos theta। एक चीज तो आपको ये गिवन है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर आगे दिया कि x sin theta बराबर है y cos theta, ठीक है साहब, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा है कि हमें बताओ कि x square प्लस y square बराबर क्या होगा। एक गिवन ये है, एक चीज ये गिवन है, और आपसे ये चीज पूछिए, अगर x और y का मान पता हो तो आप चीजें आसान कर सकते हो, देखना आप ध्यान से। अगर मैं पुट करूं थीटा बराबर 45, तो साइन 45 बराबर कोस 45 होता है, यानी कि यहां से एक्स बराबर आपके पास में वाई आ जाएगा। बताओ तो इतनी सी बात आपके को समझ में आई? जब एक्स बराबर वाई आ गया तो यहां पर जहां पर एक्स है वहां पर वाई पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई साइन क्यूब 45 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर 45 फुट के है, प्लस वाई कोस क्यूब
45 डिग्री बराबर साइन 45 डॉट कोस 45। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब देखो आप वाई साइन क्यूब 45, साइन 45 तो 1/√2, तो क्यूब कितना 1/√2 प्लस वाई कोस 45, क्यूब 45 वही 1/√2 बराबर साइन 45 1/√2 डॉट कोस 45 भी 1/√2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो भाई चिंटू, नहीं है, आगे बढ़ो। देखो रूट टू इंटू रूट टू, या फिर ऐसे कर लो इस रूट टू से ये रूट टू कट गया, इस रूट टू से ये रूट टू कट गया, कैसे भी काट दो, जैसे आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी पड़े जैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कैसे काटोगे? अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई, आपकी मर्जी पड़े जैसे काटो। चलो मैं हटा देता हूँ, यहाँ से एक रूट टू निकलेगा, अरे निकलेगा नहीं निकलेगा, उससे ये कट जाएगा, और एक रूट टू यहाँ पर बचा हुआ है उससे वो रूट टू बाहर कट जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? क्या इसे काट सकते हो क्या तुम भाई? एक रूट टू से तो एक यहाँ से जो निकलेगा वहाँ से तो ये रूट टू कट जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा उससे तो ये कट गया, अरे इस रूट टू से वो जो टू बच रहा है वो कट जाएगा रूट टू बाहर। क्या ये दिक्कत दे रहा है आपको? अगर दिक्कत दे रहा है मेरे भाई, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 2y/√2 बच जाएगा कुछ, समझना। आपको अगर दिक्कत दे रहा है आप एलसीएम ले लो, आप तो घबराओ मत हो। जैसे आप इसको देखोगे तो ये y/√2 बोलो प्लस ये भी कितना y/√2 बराबर 1/√2 इंटू 1/√2। आप चाहो तो इसको 1/2 भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो सेम तो कितना हो जाएगा y+y 2y बटे कितना 2√2। बोलो ना यार, यही आएगा बराबर 1/√2 इंटू 1/2, तो सीधा मैं 1/2 लिख देता हूँ, तो है ना, तो 1/2। अब आप देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा 2y/√2 बराबर कितना 1, और अगर यहाँ से देखना चाहे तो y बराबर 1/√2। क्या ये बात समझ में आ रही? छोटी सी काटा पीटी है, रूट टू से कट जाएगा रूट टू दो रूट टू बार, रूट टू 1 के नीचे जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब y का मान आ गया आपके पास में 1/√2, x बराबर y पहले पुट कर रखा है, यहाँ से जैसे अपन देखेंगे x का मान y है तो y² + y² यानी कि फाइनली आपको वैल्यू किसकी चाहिए 2y² की। क्या y का मान आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, 1/√2 है। तो देखो पुट करो 2 × 1/√2² तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 दैट मीन्स कितना 1, और ये क्या हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए, तो चीजें ऐसे चलेंगी भाई साहब, है ना। तो मेरा मतलब ये कहने का कि लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, है ना। घबराने की कतई जरूरत नहीं, करते रहो आप। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से मेरे मित्र, कि आपको वैल्यू फाइंड करनी, क्वेश्चन है आपका 2 sin^6 थीटा प्लस cos^6 θ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, -3
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्लस 1 बराबर कितना होगा, प्लस 1 बराबर कितना होगा। अरे कुछ भी नहीं करना मित्र, पुट करो, थीटा बराबर क्या पुट करोगे, सीधी सी बात है, जब भी बटे में नहीं हो ना साइन कोस तो क्या करो 90 डिग्री पुट कर दिया करो, या तो 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री, दोनों में से एक ही बात है, या तो 90 पुट कर दो या 0 कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने 90 डिग्री पुट किया तो ये 2, क्योंकि 90 में कोस 0 हो जाएगा और 0 में साइन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 साइन की पावर 6, साइन 90 1, 1 की मैक्सिमम पावर 6 तो ये 1 प्लस कितना 0 माइनस 3, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, क्योंकि कोस 90 0 प्लस कितना 1, तो आपका एक लाइन में आंसर आ गया। देखो कैसे, ये कितना आया यहाँ से 2 माइनस कितना 3 प्लस कितना 1, 2 प्लस 1 3, 3 में से 3 गया तो कितना 0, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 0। कॉपी करो भाई, साइन 90 1, 1 की पावर कितनी कर दो 6 करो या 6600 करो, बात तो कितना हो भाई ये, कॉपी कर लो भाई फिर देखेंगे आगे। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये, देखना म्यू एन यूनि म्यू बोलते हैं इसको, म्यू एन कोस एन अल्फा, ठीक है भाई, प्लस साइन एन अल्फा, ये आपको गिवन है, ठीक है। रेड कलर दिख तो रहा है ना, एक सेकंड, इसको येलो से लिख देता हूँ मैं ना, वो सही रहेगा। म्यू एन बराबर कोस एन अल्फा प्लस साइन एन अल्फा, ठीक है भाई, कोस एन अल्फा बराबर कितना साइन एन अल्फा, और आपसे पूछा है उसने, बताइए टू म्यू सिक्स माइनस थ्री म्यू फोर प्लस वन कितना होगा, प्लस वन कितना होगा, ये फाइंड किया है उसने। पसीने आ जाएंगे भाई साहब, क्या आ जाएंगे पसीने, समझ में नहीं आएगा ये क्या दे रखा है, ये क्या पूछ लिया, ये क्या दे रखा है, ये क्या पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यही मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो आप म्यू एन बराबर कोस एन अल्फा प्लस साइन एल अल्फा है, और आपसे पूछा कि 2 म्यू 6 माइनस 3 म्यू 4 प्लस 1 क्या होगा। मेरी काजू कतलियों बिल्कुल ध्यान से इधर बोर्ड पे देखना। अब देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी मेरे भाई, एक चीज आपने क्या की होगी, नोटिस की होगी सर, यहां पर n है, अरे दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये n यहां पर है और ये n यहां पर है, अरे हाँ या ना, यानी कि यहां n है तो यहां भी n है, यहां भी n है, जैसे आप यहां 1 रखोगे तो यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है 2 म्यू 6, यानी कि सीधी सी बात क्या है कि आपसे पूछा है दोस्तों टू म्यू 6, तो ये 2 बोलो म्यू 6, म्यू का मतलब म्यू 6, n का मतलब 6, यानी कि कोस जहां पर भी n है वहां 6 कर दो, 6 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा, बताओ
यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, गोली मार दूं नहीं तुम्हें। माइनस थ्री म्यू फोर, म्यू फोर, म्यू एन का मतलब चार, तो जहां भी एन है वहां चार, तो कोस चार एल्फा प्लस साइन चार एल्फा, बताओ प्लस कितना वन। बेटा बैठ गया ना, तो देखो कितना हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो ये टफ नहीं होते, इसको बोलते लॉजिकल। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल। टफ कुछ होता ही नहीं है, टफ कुछ होता ही नहीं है, लॉजिकल होता है। ठीक है, अब देखो आप ये क्वेश्चन आपने अभी किया है, क्या है? तो कितना आया था आंसर बोलो, जो भी आया था वाट एवर छोड़ो, अब तो सोल्व कर लो आप। तो जैसे आप क्या करोगे, थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करोगे, तो पुट थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो जैसे आपने थीटा बराबर 90 डिग्री पुट किया मेरे मित्र, तो देखो आप तो कोस 6 0 प्लस साइन 6 1 माइनस 3 कोस 4 0 प्लस साइन 4 1 प्लस कितना 1। यहां से देखेंगे तो 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1 प्लस कितना 1, बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत है? 2 गुणा 1 2 माइनस 3 गुणा 1 3 प्लस कितना 1, 2 प्लस का 1 प्लस का 3, 3 माइनस 3 कितना 0, और ये क्या हो गया आपका आंसर कॉपी, कॉपी कर लीजिए। तो मेरे रसगुल्लो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? करते रहो यार, है टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम और मैं मचा देगा भाई, टेंशन मत लो ना। तो यहाँ तक की बात खत्म हुई, फिर आगे चलेंगे अपन। कॉपी कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ जाते हैं मित्रों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको, है ना, फिर आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न अगर अपन देखें तो इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, 1 माइनस सेक थीटा, 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? और आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन दे देता हूं मैं, 1 b 0 c माइनस 1 d 2। ये आपका क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, पुट कीजिए, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दीजिए, कितना 45 डिग्री। अब देखिए आप, 1 प्लस कोसेक 45 कितना होता है रूट टू, प्लस कोट 45 कितना होता है 1,
कोफ तक, 1 माइनस sec 45 कितना रूट 2, प्लस tan 45 कितना 1, यहाँ से देखें तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस रूट 2, और यहाँ से देखें तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस रूट 2, अरे बोलो, a प्लस b a माइनस b बन गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, अरे यही आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना 2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा डी, आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया मित्रों 2। फटाफट से कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। तो अगला प्रश्न है आपका ये, अगला प्रश्न है आपका कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि sec थीटा sec थीटा, यदि sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, cosec थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन लीजिए, 0, 1, -1 एंड 2, 0, 1, -1 एंड 2, बताइए क्या होगा? पुट कर दें, ठीक है, तो पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और जैसे आपने थीटा बराबर 45 डिग्री पुट किया तो sec 45 कितना हो भाई रूट 2, cos 45 कितना 1/√2, कोई दिक्कत, इनटू cosec 45 रूट 2 माइनस sin 45 1/√2, बोलो tan 45 1, cot 45 1, क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे, रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, दैट मीन्स रूट टू माइनस वन बाय रूट टू, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इनटू कितना 2, बताओ यहां तो कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो, रूट टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि रूट टू का स्क्वायर कितना 2, प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1/√2 इंटू कितना 2, बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखो आप, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस कितना 1/2 इंटू कितना 2, ये 2 से ही 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया फाइनली 1, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आवारा दिल के,
अगला देखें, चलो अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 cos θ / 1 cos θ अंडर रूट प्लस 1 cos θ 1 cos θ अपॉन 1 cos θ अंडर रूट बराबर क्या होगा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए है आपका sec θ, ऑप्शन नंबर बी है आपका cosec θ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 sec θ और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 cosec θ चलिए 1 cos θ 1 cos θ प्लस 1 cos θ 1 cos θ। देखो थीटा बराबर अगर मैं यहां पर देखू, थीटा बराबर 0° व 90° तो मैं पुट ही नहीं कर सकता, भाई क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि जैसे 0 90 पुट करूंगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा और ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकता। दूसरा अगला किस पे आते हैं, 45° पे। जैसे ही मैं 45° पे गया तो मैंने देखा कि ऑप्शन सेम हो जाएंगे, sec 45 cosec 45 है ना, ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो ये भी नहीं बना, यानी कि थीटा बराबर 45 भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि ऑप्शन सेम हो जाएंगे। फिर क्या कट करें, फिर आप पुट करो थीटा बराबर, देखो 0 30 45 65 है ना, 60 और 90, तो या तो बचा 30° या बचा 60°, तो या तो आप मेरे मानिए तो आप पुट कीजिए थीटा बराबर 60° पुट करने पर। तो मेरी काजू कतलियों फटाफट से इधर देखो, ध्यान दो, जैसे आप थीटा बराबर 60° पुट करोगे मेरे मित्र, तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि गुरुजी क्या, कि देखो 1 cos θ है तो 1 cos 60° बराबर 1 cos 60 1/2 कितना जाएगा 1/2, और यहां से ऊपर अपन देखे तो 1 cos 60 1 + 1/2 जो कि कितना बनेगा 3/2। बताओ कोई दिक्कत है, अब तो मामला अपने हाथ में, क्या निकालना है आपको, 1 cos θ यानी कि 1 cos θ तो 1/2 अपॉन 3/2 और ये अंडर रूट में बोलो प्लस 1 cos θ अपॉन 1 cos θ यानी कि 3/2 अपॉन 1/2 और ये पूरा का पूरा किसमें, अंडर रूट में। देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहां तो बचा 1/√3 अंडर रूट 1 1/√3 और यहां पर बचा √3/1, अरे बोलो ये बचेगा। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा √3, अरे हाँ या ना, यहां पर आएगा 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 3 तो कितना आ जाएगा 4/√3 कितना हो जाएगा भाई 4/√3। अब आप आ जाओ अपने ऑप्शंस पर, जो भी ऑप्शन 4/√3 बना दे वही आपका आंसर है। अब देखो थीटा बराबर 60 पुट करना है तो थीटा बराबर 60 यहां पुट करेंगे तो नहीं बनेगा, यहां पुट करेंगे देखो ऑप्शन सी और डी, क्योंकि 4 जो आएगा वो मल्टीपल में आएगा तो ये तो मल्टीपल में है नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया, ये भी कट गया
और ये भी कट गया, क्यों? क्योंकि ये तो 1/2, 2/3 इनमें चलते हैं, अब 4 के मल्टीपल में आ रहा, मतलब ये दोनों तो है नहीं, गया तो ये होगा या होगा, तो मैं कोसेक पे चलता हूँ। देखो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, अरे बोलो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, 4, 2/√3, अरे बोलो कितना होता है, 2/√3। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 2 × cosec 60 डिग्री, 2 × cosec 60 होता है 2/√3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4/√3। देखो यहां से आपको क्या मिला, 4/√3, यहां से भी आपको क्या मिला, 4/√3। LHS बराबर RHS हो गया, तो अपना डाटा क्लियर हो गया, कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा होगा, है ना, उसके बाद वाला और अच्छा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m हो, कितना है भाई, m है। उसके बाद में बोला कि tan थीटा माइनस sin थीटा कितना, n है, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बोलो। पूछा है आपसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऑप्शन है आपके 1, 2, C, and D। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4√mn, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2√mn, ऑप्शन नंबर सी है आपका √mn, ऑप्शन नंबर डी है आपका −√mn। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो जल्दी से सोल्व कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, करिए ट्राई करिए एक बार, फिर देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, ये क्वेश्चन अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है ना। और इस क्वेश्चन की कोशिश करना कि आप कर पाओ, ठीक है, इस क्वेश्चन की कोशिश करना कि आप कर पाओ, फिर भी जो भी आपका आएगा अपन कल मैच करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, सी यू मेरे गाइज, चलिए मिलते हैं कल।